हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरी चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इजी बटवा बनाएंगे, और ये बटवा स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जिन्हें बटवा बनाने में मुश्किली हो रही है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने पेपर लिया है जिसकी लेंथ मैंने ली है 11 इंच। और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच। तो अब हम इस पेपर को लेंथ वाइज इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे। और यहाँ 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ एक 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस तरह से शेप दे देंगे। तो अब इसे हमें इस तरह कट कर लेना है। तो ये हो गया हमारा बटवे का शेप रेडी। तो हमें इसी साइज का मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों कट कर लेने हैं। तो ये मैंने प्लेन सिल्क के 2 पीस लिए हैं। इसे मैं बीच में से इस तरह से हाफ फोल्ड करूंगी तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। फिर हमें जो हमने जो पेपर काटा था उसे रख के हम फैब्रिक को कट कर लेंगे उसी शेप में, और लाइनिंग को भी उसी तरह। ये मैंने लाइनिंग के अभी 2 पीस लिए हैं तो सेम उसे भी 4 फोल्ड किया और पेपर रख के उसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक, उस पे हम मैं इस तरह से पेच लगाने वाली हूँ मोर के। तो ये मैंने पेच लगा दिया है। तो अब मैं ऊपर की ओर से 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी दोनों तरफ, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। फिर 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारी डोरी की गैप बनानी है, उसी के निशान है। तो ऐसा ही हमें दूसरे पार्ट में भी कर देना है। तो ये हमारा दोनों पार्ट का निशान हो गए। अब मैं यहाँ पे ये मल्टी कलर की लेस लगाने वाली हूँ। तो चलिए अब स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने गैप छोड़ी थी तो हमें उस गैप को छोड़ के नीचे से इस तरह से स्टार्ट करना है और पूरे राउंड में इसी तरह से लेस लगा देनी है। तो ये आपको अभी अंदर की ओर दिखाई देगी, लेकिन जब हम बटवे को सीधी साइड पलटेंगे तो वो लेस नीचे की ओर आ जाएगी। तो ये लेस दोनों तरफ दिखाई देगी। तो ये लेस हमारी लग गई। तो अब हम दूसरे पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे, और पहले हमें 1.5 इंच तक ही सिलाई लगानी है और यहाँ 1 इंच पे गैप छोड़ देनी है। पहले हम 1.5 इंच तक सिलाई लगाएंगे और 1.5 इंच पे हमें सिलाई पक्की कर देनी है। फिर 1 इंच की गैप छोड़ के वहाँ पे पक्की सिलाई लगा के पूरे राउंड में इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमें नीचे जो साइन की थी उसे देख के यहाँ पे 1 इंच की जो हमने गैप छोड़ी थी वैसे ही यहाँ पे भी 1 इंच की गैप छोड़नी है। तो पहले यहाँ पे सिलाई पक्की करेंगे और फिर 1 इंच जो गैप है उसे छोड़ के यहाँ पे पक्की सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा स्टिचिंग हो गया। तो अब हम
यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड के मार्जिन को साइड पे रखें। एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से हमारी डोरी इजीली निकल भी जाएगी और दूसरी ओर भी हमें इसी तरह से एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो ये हो गया। तो ये देख सकते हैं यहाँ से हमारी डोरी निकलेगी दोनों तरफ। तो अब हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लेस कितनी खूबसूरत लग रही है और इसके टैसल भी बाहर की ओर दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं अब। तो ये मेन फैब्रिक की स्टिचिंग हो गई। अब हम अस्तर की स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर में हमें ऊपर की ओर कोई भी गैप नहीं छोड़नी, यहाँ नीचे की ओर हमें इस तरह से 4 इंच की गैप छोड़नी है। इसे भी पूरी गोलाई में इस तरह से स्टिच लगाएगी। यहाँ पे हम पक्की सिलाई करके 4 इंच की गैप छोड़ देंगे। अब हमें मेन फैब्रिक जो हमारा मेन बटवा है उसे इस तरह से अस्तर वाले पार्ट के अंदर रखना है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ उस तरह से। और साइड स्टिच है, ये दोनों साइड स्टिच इस तरह से मिला के एक पैर की सिलाई लगा देनी है पूरे राउंड में। तो ये मेरे पूरे राउंड में सिलाई लग गई। तो अब हमें यहाँ पे जो नीचे 4 इंच की गैप छोड़ी थी वहाँ से हमें ये मेन बटवे को इस तरह से बाहर निकाल देना है। तो ये हमारा पूरा कवर सिलाई वाला बटवा बनेगा। कहीं पे भी हमें कोई भी मार्जिन या सिलाई बाहर की ओर नहीं दिखाई देगी। तो अब हमें जो ये 4 इंच की गैप है उसे इस तरह से अंदर की ओर करके यहाँ पे हम किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा बटवा हो गया रेडी। तो अब हमें यहाँ पे ऊपर से हमने जो 1.5 इंच पे निशान लगाया था उसी पे हमें स्टिच लगा देनी है पूरे राउंड में। इस तरह से फिर हमने यहाँ पे 1 इंच गैप छोड़ के जो निशान लगाया था अब हम उसी पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमारी बीच में डोरी आएगी तो ये डोरी की गैप बन जाएगी।
तो ये हमारा बटवा हो गया रेडी। तो अब हम इसमें डोरी डालेंगे। तो ये मैंने 27 इंच की दो डोरी ली है, तो उसको सेफ्टी पिन की हेल्प से बटवे में डालेंगे। तो जहाँ से हमने डाला था वहीं से हमें पहली डोरी को निकालनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक नॉट लगा देंगे। अब हम दूसरी डोरी को दूसरी साइड से डालेंगे, उसकी ऑपोजिट साइड से। तो अब हम ये नॉट खोल देंगे और यहाँ पे लटकन लगा देंगे। तो लटकन के लिए यहाँ पे मैं इसी लेस और कपड़े का यूज़ कर रही हूँ, तो आपको जो भी साइज़ का बनाना हो तो उस साइज़ के लटकन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5x2 का स्क्वायर लिया है और उसको इस तरह से मैंने क्रॉस में फोल्ड किया। तो ये बटवा स्पेशली जो लोग बिगिनर्स है जिसे बटवा बनाने में मुश्किली हो रही है तो उनके लिए ये बहुत ही इजी बटवा है और इसे बनाने भी बहुत ही आसान है। 10 मिनट में तो ये आराम से बन भी जाता है। तो ये हमारे लटकन भी बन गए। तो अब हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। लग रहे ना बहुत ही क्यूट, एकदम मैचिंग। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।